सुप्रभातम। आज हम कक्षा 6 से 8 का संस्कृत विषय के बारे में, सर्वनाम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथम पुरुष, उसके आगे हम आज स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट, पहला हम पढ़ चुके हैं, आपने उसकी तालिका को याद समझ के याद कर लिया होगा, आप उसे एक बार घर पर अभ्यास कीजिए। सेकंड जो है सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग, प्रथम पुरुष, इसके वही चारों एतत्, इदम्, तत् और किम सर्वनाम शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। एतत् शब्द के रूप इसमें चलेंगे एषा, एते और एताः। ये एकवचन, ये द्विवचन, बहुवचन, अर्थ होगा वही सेम जो पहले था, यह, ये दोनों, ये सब। दूसरा है इदम शब्द, इसके रूप चलेंगे इयम, इमे, इमा। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, इसी का, इसका अर्थ भी सेम है, यह, ये दोनों, ये सब। अगला है तत् शब्द का रूप, इसका अर्थ वह है, इसके रूप चलेंगे सा, ते, ता। सा का अर्थ वह, ते का अर्थ वे दोनों, ता का अर्थ वे सब। अगला है किम, प्रश्नवाचक शब्द है, इसका रूप चलेंगे का, के और कहाँ। का अर्थ कौन, के का अर्थ कौन दोनों, और का अर्थ कौन सब। इसके अलावा जैसे हमने पिछली बार बालक शब्द का रूप पढ़ा था, तो स्त्रीलिंग है, तो इसके हम लता शब्द ले लेते हैं। लता शब्द के रूप लता, लते और लता, इस तरह से चलता है। इसकी जगह बालक की जगह लता चेंज बदल देते हैं, एक लता, दो लताएं और सभी या अनेक लताएं। यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द की टेबल बन गई। इसमें आप देखोगे को कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कहीं कहीं तो सेम है लगभग, ठीक है, केवल इसमें आकारांत का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर की टेबल है हमारी, लास्ट, थर्ड नंबर, सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द में भी यही चारों हमें बनाने। अब मैं आपके सामने मिटा के बनाता चलूंगा। एतत् शब्द कहे रूप एतत्, एते और एतानी। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एतत् का अर्थ यह, ये दोनों, ये सब। दूसरा है इदम्, इदम् का अर्थ, इदम् का जो रूप है वो बन जाएगा इदम्, इमे, इमानी। इसका अर्थ भी सेम है, यह, ये दोनों, ये सब। थर्ड है तत्, इसके रूप तत्, ते, तानी। इसका अर्थ है वह, वे दोनों, वे सब। और लास्ट है किम, प्रश्नवाचक। यहाँ कौन की जगह पे हम इसका क्या अर्थ लेते हैं, कौन की जगह पे इसका क्या अर्थ लेते हैं। इसका रूप चलेगा किम, के और कानी। किम का अर्थ क्या, क्या दोनों, क्या सब। ये चारों सर्वनाम शब्द कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद यहाँ एक शब्द रूप हमें लेना है, तो नपुंसकलिंग का शब्द रूप हम कुछ भी ले लेते हैं, पुस्तक, वन या फल। तो यहाँ हमने फल शब्द ले लिया, तो इसका रूप हो जाएगा
फलम फले फलानी। यहां हो जाएगा एक फल, यहां दो फल और यहां सभी फल या अनेक फल। मैंने आपको इसका उपयोग करके बताया, जैसे यहां पर हम किसी को भी ले लेंगे, किम। किम शब्द एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो इसके साथ यदि हमें धातु लगानी है तो अस धातु लगाते हैं तो अस्ति। अस धातु में क्या आएगा? अस्ति। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, किम अस्ति। ये प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन। यदि यहाँ हम इसकी जगह कानी लेंगे तो अब ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो हमें इसका भी बहुवचन करना पड़ेगा, अस्ति इस्त संति। अब यहाँ संति आएगा, ये एक सेंटेंस है। तो सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध होता है? कि सर्वनाम जिस भी पुरुष या वचन, पुरुष या वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष या वचन की आएगी। धन्यवाद।